किसानों के कृषि कानून के विरोध में चल रहे आंदोलन को लेकर राजनीति होना शुरू हो गई है। किसानों को समर्थन देने वाले कुछ नेता जहां पीछे हटते दिख रहे हैं तो कुछ नेता आगे आ रहे हैं। नेता तो मीडिया के सामने ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ भी हैं और किसानों के साथ भी हैं। कुल मिलाकर ये भी कहा जाए कि किसानों के आंदोलन को लेकर नेता अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो शायद गलत नहीं होगा। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा बजट सत्र खत्म होने के बाद सभी राजनीति पार्टियों के नेता मीडिया से रूबरू हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व रामकुमार गौतम ने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कुछ कहा। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर आपका जवाब था, उस दौरान सर आपने संक्षेप में जानना चाहें कि जो विपक्ष के सवाल थे उनके आपने जो जवाब दिया, विपक्ष का बारह कर ये कहना था कि हम उससे संतुष्ट नहीं है, सरकार गोलमाल आंकड़े जब पेश कर रही है और असलियत जो है वो प्रदेश की जनता जान। देखिए, अगर विपक्ष संतुष्ट हो जाए तो उनकी मजबूरी उनको पक्ष की साइड में आना पड़ जाएगा, फिर विपक्ष में कैसे रहेंगे? विपक्ष में रहेंगे तो उनका ये निश्चित रूप से कहना होगा कि हम संतुष्ट नहीं है। अगर वो संतुष्ट होने की बात करेंगे तो जनता उनको जूते मारेगी। इसलिए हमने जो जो बातें दो दिनों में उन्होंने उठाई उसमें एक एक का खुले विस्तार से सब बातें उनको बताई, और एक समय तो ऐसा आया कि उनका कहना नहीं बहुत हो गया, अब हम सब बातों से संतुष्ट हैं इसलिए अब आगे बंद करो। आपने रोहतक जिले से भी कहा सर कि महिला दिवस के मौके पर महिला विधायक ट्रैक्टर खींच रही थी और नेता विपक्ष और उनके साथी विधायक जो ट्रैक्टर पर बैठे थे, आपकी भावुक अपील एक थी सर। देखिए, इसमें सत्यता है, कहीं कोई इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने कोई गलत बात कही है। कम से कम कल उनको ऐसा करके अपने आप के ऊपर जरूर पछतावा हुआ होगा, और महिला दिवस के ऊपर इस प्रकार का कुकृत्य उन्होंने किया ये महिला जगत पर के साथ अन्याय है, मानवता के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है। और मैं तो कल वास्तव में ही मुझे वो दृश्य देख के बहुत कष्ट हुआ, कल नहीं करना चाहिए था। महिला दिवस नहीं होता तो शायद इतनी बात नहीं आती। एक तरफ तो हम विधानसभा में पूरा दिन महिलाओं को समर्पित कर रहे हैं कि पूरा दिन महिलाएं वही सदन को चलाएंगी, और एक तरफ उससे पहले उनका दृश्य दिखाई देता है, पीड़ादायक है। सीएम साहब, कल अविश्वास प्रस्ताव ला रही है कांग्रेस, कितने आश्वस्त हैं फिलहाल आप अपनी पार्टी और सहयोगी दल को लेकर, क्योंकि अभी अभी जेजेपी के कुछ विधायकों ने किसान आंदोलन की बात करी, उन्होंने कहा कि हमारी मजबूरी हो गई है व्हिप के चलते वोट देना सरकार के पक्ष में और हमें अलग हो जाना चाहिए। सर कितने, देखिए किसान के हम साथ हैं, किसान की समस्याओं से हमारी पूरी जानकारी है, उन समस्याओं को हम लगातार हल भी करते हैं, लेकिन अगर किसी प्रकार की किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके सो कॉल्ड किसान नेता अगर इसको जिद का अपना विषय बनाएं और इसको राजनीतिक तौर पर इसका इस्तेमाल करें, वो तो कम से कम नहीं होने देंगे। सर, देवेंद्र फडणवीस ने तो ये तक कहा है कि जेजेपी को समर्थन वापस ले लेना चाहिए, अगर जेजेपी को समर्थन वापस नहीं ले तो 15 दिनों में जनता से परामर्श करके तो बड़ा फैसला लूंगा। देवेंद्र देखिए, कौन क्या फैसला लेगा ये तो जिन लोगों से बात करनी होगी हम भी करेंगे, जिसने करनी होगी करेंगे, लेकिन आज स्थिति ये है कि हम जनता हम किसान के हित में हैं, और किसान के लिए जो हमने पिछले 6 सालों में किया है आसपास की किसी सरकार ने नहीं किया, किसान का चाहे मुआवजा हो, किसान की चाहे प्रोक्योरमेंट की बात हो, किसान को चाहे नहरी पानी जितना हमारे पास सीमित है उसकी व्यवस्थाएं करके देने की बात हो, किसानों के हित में हमने सब काम किए हैं। कोई विषय ऐसा नहीं है जो हमारी आसपास की पड़ोस की सरकार, कांग्रेस की सरकार, इधर पंजाब में भी है, इधर राजस्थान में भी है, आप मिला करके देख लीजिए। हरियाणा की सारी योजनाएं इस समय पंजाब के लोग भी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, मुझे जानकारी मिली है कि उनकी विधानसभा में कांग्रेस के विधायक ने यह विषय उठाया कि अगर हरियाणा ये काम कर सकता तो पंजाब क्यों नहीं कर सकता, कि उनके अपने सत्ता पक्ष के जो पंजाब के लोग हैं उन्होंने ये विषय रखा है। मुख्यमंत्री जी, आपके जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं ज़्यादातर सवाल ये लोग ये उठाते हैं कि आना जाना मुश्किल है, गाँव में जाना, सामाजिक कार्यक्रमों में जाने में दिक्कत हो रही है, इसको लेकर कुछ आप सोच रहे हैं कि कैसे उसको? देखिए, क्योंकि किसान हमारे अपने हैं, अब अगर कहीं कोई नासमझी किसी की प्रकार की कोई हुई है उसको दूर करना हमारा काम, हम करेंगे। ऐसा कोई नहीं है कि भाई हम कोई उसमें से हमें कोई निराशा लग गई है हाथ, या एक विषय है हम समझा रहे हैं लगातार, आगे भी समझाएंगे, और लगातार ये जो विषय हम बोल रहे हैं ये सारे आप लोगों के माध्यम से उनके पास जाते ही हैं,
इसलिए अब उधर भी बहुत लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जिस प्रकार की जिद पकड़ी है ठीक नहीं है, हमको कोई रास्ता निकालना चाहिए। ये चर्चा उनकी तरफ भी है, सर्वदूर है। विपक्ष की भूमिका कैसे देखते हैं सर आप सदन में, जो विपक्ष की 2-3 दिन की भूमिका रही है, खासतौर पर जो किसानों की जब बात आती है तो विपक्ष का जो रुख है उसको कैसे देखते हैं? मैंने बताया ना कि क्योंकि वो एक चीज़ अपनी इस प्रकार की चाल चल बैठे हैं जिसमें वो फंसे हैं, उनको लगता है कि बाहर निकलने का रास्ता कोई नहीं है, और रास्ता कोई नहीं है तो विचार उनको करना पड़ेगा कि हमको उसको कैसे ठीक करना है। देखिए अब वहाँ की अंदरूनी कोई बात, कोई राजनीति, मुझे तो आज ही जानकारी मिली है कि वहाँ के मुख्यमंत्री को बदला गया है। अब कोई विषय वहाँ का स्थानीय रहा होगा, कोई पार्टी का रहा होगा, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। कोई जानकारी मिलेगी तो आपको बताऊंगा। थैंक यू। राकेश टिकैत किसान नेता है, अपील कर रहे हैं हरियाणा के विधायकों से कि सरकार के खिलाफ वोट कीजिए, इसको आप कैसे देखते हैं? मैंने बताया कि जिस प्रकार की मानस लेकर के जो जो आदमी चल रहा है वो अपने अपने हिसाब से बोलेगा। अगर हम अपने हिसाब से कोई बात कह रहे हैं तो ये हमारे लोगों को समझ में आ रहा है, जनता को भी समझ में आ रहा है। केवल एक व्यक्ति ही सब कुछ करेगा ऐसा तो नहीं। शुक्रिया सर, धन्यवाद। हाँ जी, अविश्वास प्रस्ताव आएगा सर कांग्रेस का, सत्ता पक्ष कितना तैयार है, कितने बजे की क्या प्रक्रिया? देखिए, 5 मार्च को कांग्रेस के कुछ साथियों ने सरकार के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव का जानकारी मुझे दी थी, एक नोटिस दिया था, और हमने उस दिन निर्णय लिया था कि ये जो प्रस्ताव है इसके ऊपर 10 मार्च को हम चर्चा करेंगे। तो कल सुबह पहले 1 घंटा प्रश्नकाल के पश्चात अविश्वास प्रस्ताव जो है उसके समर्थन में कम से कम 18 जो विधायक हैं खड़े होकर के उसका समर्थन करेंगे तो वो अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर चर्चा होगी। और 2 घंटे का समय हमने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए दिया है और 2 घंटे के पश्चात उस पर वोटिंग होगी, और मैं समझता हूँ कि वोटिंग के पश्चात निर्णय हो जाएगा। धन्यवाद। कौन है भाई? आप कल अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, आप लेकर आएंगे? कितना आश्वस्त है आपकी आपके पक्ष में और भी विधायक आएंगे? देखिए, ये सरकार लोगों का विश्वास खो चुकी है, विधायकों का विश्वास खो चुकी है। जो इंडिपेंडेंट को समर्थन कर रहे थे उनने विड्रॉ कर लिया, और JJP के खुद विधायक आपने सुना कि इनकी बात निंदा कर रहे थे। बाकी जो है अविश्वास प्रस्ताव आएगा, उस पर वोट पड़ेंगी, कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। विपक्ष का काम है लोगों की आवाज़ उठाना, जो जनता की भावना उठाना, जनता की भावना उठाएंगे। जननायक जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र बबली कह रहे थे कि विपक्ष के पास जब आंकड़ा ही नहीं है तो फिर किस तरह से विपक्ष जो है अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहा है? हमारी मजबूरी है कि व्हिप जारी हो गया, हमें पार्टी लाइन से बाहर जाना नहीं है, और विपक्ष के पास आंकड़े नहीं है। कोई बात नहीं, इसका मतलब विपक्ष अपना फर्ज नहीं निभाएगा, यही तो बात है। चेहरे बेनकाब तो होंगे ना, यहाँ बाहर कुछ और अंदर कुछ पता लग जाएगा कौन किसके साथ खड़ा है। राज्यपाल के अभिभाषण में मुख्यमंत्री का जवाब आया सर, तमाम मुद्दों ये है। राज्यपाल का अभिभाषण सबको मालूम है कि राज्यपाल जी का नहीं होता है, ये तो जो सरकार लिखती है वो पढ़ देते हैं। ये जो है अभिभाषण निराशाजनक प्रशंसा पत्र है। मुख्यमंत्री कह रहे थे सर कि रात को तो मेरा स्टैंड है, मैं 100% खट्टर के साथ हूँ और किसान के साथ भी हूँ, और किसान की जो मैं आवाज उठा रहा हूँ जिस तरीके से कोई किसी ने पैदा नहीं कर रखा मेरे अलावा को उठा दे। मैं सीधा कहता हूँ मोदी को, पहले कहता था मैं 3 कानून वापस लो मोदी, और किसानों से बात करो, उनसे मिलके और सही नए कानून बनाओ, क्योंकि मंडियों में भी किसान का भला नहीं हुआ है, लोग कर्ज में मर रहे हैं। अब मैं कहता हूँ लेटेस्ट, अगर मोदी साहब आपकी मजबूरी है किसान ये कानून वापस नहीं ले सकते हो, कोई ऐसी मजबूरी है खास, तो आप 3-1.5 साल के लिए तो आप कह ही रहे हो कि मैं होल्ड पे रख रहा हूँ, आप बात कर लो। मैं कहता हूँ 1.5 साल क्यों, आप 3 साल 2 महीने के लिए, जब तक नेक्स्ट इलेक्शन आता है
तब तक होल्ड पे रख लो और उसके बाद देवेंद्र बबली का सभी विधायकों को समर्थन वापस लेना चाहिए। देवेंद्र बबली की बात देवेंद्र बबली से पूछो, मैं राम कुमार गौतम हूँ, मेरी बात मेरे से पूछो। मैं वो सुनो, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जो मैं पूरी नहीं कर सकूं, मैं वो बात कहूंगा जो मैं पूरी कर सकूं। मैं 100% अविश्वास के खिलाफ हूं और किसानों के पक्ष में हूं। मोदी साहब को कहता हूं, मोदी साहब तूने जो काम किए हैं, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं थी वो काम करने की। अरे दो, अरे सुनिए 19 जनवरी 1990 को वहां तक 4 लाख कश्मीरी पंडित छोड़ चुके थे कश्मीर को, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूट ली, उनको घर छोड़ने पे मजबूर कर दिया, बेचारों का सब कुछ लूट लिया। कोई सरकार कुछ नहीं कर सकी उनसे के लिए। वो 370 धारा तोड़ी सिर्फ मोदी ने, मैं उसका कायल हूँ इस बात का। और सुनिए सुनिए, मैं 100% किसान के साथ हूँ और मोदी साहब को ये चाहता हूँ, उसको 3 साल अगर कोई उसकी मजबूरी है भाई वो नहीं वापिस ले सकता, क्या पता उसकी क्या मजबूरी है, राजहट है, मैं कहता हूँ उसकी मजबूरी है फर्ज किया तो क्या पता मुझे क्या मजबूरी है। 3 साल 2 महीने अरे सरकार से मैं अलग हूँ तो सरकार टूट जाएगी। व्हाट डू यू फील, आप क्या समझते हो? आप तो अनपढ़ों वाली बात, नाड़ियों वाली बात कर रहे हो। सरकार का कानून है मोदी सरकार का, हरियाणा का नहीं है। हरियाणा की सरकार कुछ भी कर ले, कैप्टन अमरिंदर ने क्या बिगाड़ दिया बताओ? उसने सब कुछ कर लिया, कानून वापिस हो गए क्या? कोई भी नहीं करवा सकता। मैं दिल से किसान के साथ हूँ क्योंकि किसान घर में परवरिश हुई मेरी, उसी में पैदा हुआ हूँ और किसान के लिए जो कर सकता हूँ वो थोड़ा है। मैं ये कह रहा हूँ कि 3 साल ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।